अरे ये देश का बजट है, हरियाणा का बजट थोड़े है। जय प्रकाश जी भी अभी बोल रहे थे पूरा हरियाणा केंद्रित। अरे देश का बजट है भैया, देश पर बोलो, देश बस देश। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनका संकल्प है, ये उनका आत्मविश्वास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान जब वित्त बजट पेश किया गया तो उसके बाद से लगातार बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए जारी कुछ विशेष पैकेजों की चर्चा को लेकर के देश के कई अन्य जो राज्य हैं वहां के नेता बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर के लगातार बोलते रहे हैं। इसमें हरियाणा से आने वाली कुमारी शैलजा भी शामिल हैं और कुमारी शैलजा ने पिछले दिनों कई किस्म की बातें कही थी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर राज्यों के साथ भेदभाव करने और विशेष करके हरियाणा को लेकर के अलग अलग किस्म की बातें उन्होंने कही थी, जिसमें कुमारी शैलजा ने यहां तक कहा था कि हरियाणा को एक तरीके से देश का हिस्सा एनडीए सरकार मानती ही नहीं है, क्योंकि इसके बाहर के तो बजट में हरियाणा को कुछ मिला ही नहीं। तो आज कुमारी शैलजा का जवाब देने के लिए जदयू नेता, केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह पूरे रौब के साथ लोकसभा में दिखे। ललन सिंह आज जब बजट सत्र पर चर्चा कर रहे थे तो उस चर्चा के दौरान उन्होंने कुमारी शैलजा को जवाब दिया है। वह जवाब दिया है जिस जवाब का के लेकर के कुमारी शैलजा पर उन्होंने जो बातें उन्होंने कुमारी शैलजा ने बिहार को लेकर के कही थी या अन्य मोदी सरकार को लेकर के कही थी, तो उसे लेकर के ललन सिंह ने उन्हें पॉइंट बाय पॉइंट बताया है कि कैसे आप जो बातें कर रही हैं वह पूरी तरीके से भ्रामक है, उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है और हरियाणा और बिहार को लेकर के जो अलग अलग किस्म के आप मतभेद वाली बातें कर रही हैं यह पूरी तरीके से दुराग्रह से भरी हुई बातें हैं और इसका कहीं से कोई ऐसा सरोकार नहीं है जिसे सच साबित किया जा सके। तो ललन सिंह यही नहीं रुके, बल्कि ललन सिंह ने इस दौरान कुमारी शैलजा को हर वह उस बात का जवाब दिया जिन मुद्दों को कुमारी शैलजा ने पिछले दिनों उठाया था। तो कुमारी शैलजा पर आक्रामक हुए ललन सिंह इस जब बोल रहे थे तो उस दौरान हरियाणा से आने वाले कई अन्य सांसदों ने भी ललन सिंह को बीच में टोका टोकी शुरू की। तो इस दौरान ललन सिंह जो अपने अक्सर आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते थे, उन ललन सिंह ने आज एक बार फिर से संसद में वही रूप दिखाया और कुमारी शैलजा के साथ साथ हरियाणा से आने वाले कई अन्य सांसदों पर उन्होंने काफी तीखे शब्द बाण चलाए हैं। तो आप भी सुनिए ललन सिंह की पूरी बातें जो उन्होंने कुमारी शैलजा को लेकर कही है। और पूरा भाषण हमने शैलजा जी का भी सुना, शैलजा जी का भी भाषण हमने पूरा सुना और शैलजा जी का भाषण हमने सुना वो पूरा हरियाणा केंद्रित था। अरे ये देश का बजट है, हरियाणा का बजट थोड़े है। जय प्रकाश जी भी अभी बोल रहे थे पूरा हरियाणा केंद्रित। अरे देश का बजट है भैया, देश पर बोलो, देश बस देश। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनका संकल्प है, ये उनका आत्मविश्वास है। इसलिए मैं समझ दूंगा, मैंने कहा है अब मैं दूंगा, आप बैठ जाइए। जय प्रकाश जी डिक्टेट नहीं कर सकते सदन में, आप बैठ जाएं। मैंने हुड्डा जी को कह दिया, रूलिंग दे दिया, आप बैठ जाइए। अब अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वित्त मंत्री का आप बैठ जाएं, कृपया आप सब लोग बैठ जाएं। तो हमने ये कहा कि पूरे 3 दिन तक ये बजट पर कम बोलते रहे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं था, तो इसलिए उनकी आलोचना में ये पूरा 3 दिन इन्होंने बिताया। अब बजट में जो प्रावधान है उसको इनको दिखाई ही नहीं पड़ा, वो देखना भी नहीं चाहते, इसलिए कि ये तो पीड़ा में है, अंदर से कष्ट में है, विचलित है। तो मन जब विचलित रहता है तो सच अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए कह रहे हैं इनको। बजट के भाषण में, वित्त मंत्री जी के बजट के भाषण में साफ लिखा है कि 9 प्राथमिकताओं के संबंध में प्रयासों की परिकल्पना की गई है और वो 9 प्रयास देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा, ये इस बजट में है। ये उनको दिखा नहीं। पहला क्या है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास,
और अगली पीढ़ी के सुधार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी की पीढ़ी के अलावा अगली पीढ़ी तक भी सोच रहे हैं, इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब ये दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है? आपका मन विचलित है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके मन को जल्दी शांति प्रदान करे, जल मन के आत्मा आत्मा को जल्दी से विचलापन खत्म हो, ताकि आप उससे बाहर निकलिए और देश की कल्पना के बारे में सोचिए। इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें 4.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये इनको तो दिख नहीं रहा। ये पूरा देश के लिए है, ये देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2.65 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वो इनको दिखेगा नहीं। इनको नहीं दिखेगा कि कृषि को अभी चर्चा कर रहे थे माननीय सदस्य श्री सभापति महोदय जयप्रकाश जी, कह रहे थे कृषि का बड़ा नुकसान हो रहा है। अरे कृषि के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है, वो आपको नहीं दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, वो इनको नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.16 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, वो इनको दिख नहीं रहा है। इनकी नजर से ओझल हो रहा है। इनको दिख रहा है तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिख रहा है, और मोदी जी का चेहरा देख के ये भड़क जा रहे हैं। बड़ा देख नहीं रहे, लेकिन भड़किएगा तो क्या करिएगा। देश की जनता को वही चेहरा पसंद है, तो इसलिए वो चेहरा आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो प्रावधान इस बजट में है वो इनको देख नहीं रहा। तो इनको दो बात दिख रहा है, एक बात मोदी जी का चेहरा जो इनको पसंद नहीं है, तो उसमें देश की जनता उनको पसंद करती है। आपके पसंदगी नापसंदगी का कोई अर्थ नहीं है, आप जितना जल्दी उसको स्वीकार कर लीजिए और मोदी जी का चेहरा पसंद करने लगिएगा, उतनी ही जल्दी आपके मन को शांति मिलेगी।